हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट विद सैम। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के फाइनल की, और इसमें से वेदर रिपोर्ट, हम पिच रिपोर्ट, प्रिडिक्टेबल टीम 11 और इंडिया और साउथ अफ्रीका में से कौन ये फाइनल जीतेगा। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 9 बजे से लेकर 2 बजे तक ये पूरा बारबाडोस का टाइम है, 50% चांसेस हैं बारिश होने के, और अगर बारिश होती है, खलल आता है, तो उसके लिए रिजर्व डे है, जिसके नियम कानून इस तरह से होंगे कि 10 ओवर का खेल ज़रूरी है आपको रिजल्ट लाने के लिए। अगर नहीं होता है और आफ्टर 190 मिनट्स भी मिलेंगे एक्स्ट्रा, अगर 190 मिनट्स एक्स्ट्रा के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आता और 10 ओवर का खेल नहीं होता है, तब आपको रिजर्व डे मिलेगा, और रिजर्व डे में आपका वहीं से गेम स्टार्ट होगा जहां से आपका पहले दिन ख़त्म हुआ था। तो अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। जैसे कि आपने साइड स्क्रीन पर देखा ही होगा कि हाँ भाई, 180 का स्कोर जो अफगानिस्तान के खिलाफ इंडिया ने मारा था वो इसी पिच पे लगाया था, और 47 रन से इंडिया जीती थी। हालांकि ये पिच सेम पिच है, और फोर्थ पिच, आई गेस 9 पिच हैं वहाँ पे, और चौथी पिच पे ये मैच खेला जा रहा है, जिस पे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पिच पे 160 या 170 नॉर्मल स्कोर है बैटिंग फर्स्ट पे। हालांकि बैटिंग सेकंड को एज होगा कि अगर बारिश होती है तो उसको DLS के हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन बैटिंग सेकंड में आई गेस उन्होंने अभी तक 16 मैचेस ही जीते हैं, बैटिंग फर्स्ट ने 50 मैचेस में ज़्यादा मैच जीते हैं। सो ये 50-50 चांसेस ही हैं अभी तक कि इंडिया या साउथ अफ्रीका कौन सी टीम जीतेगी। तो चलिए अब बात करते हैं ड्रीम 11 यानी कि प्रेडिक्टेबल 11 इंडिया और साउथ अफ्रीका की, दोनों टीमों की। मैं अगर एज ए कैप्टन अनचेंजेबल रखता टीम, इवन के जो कि ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि शिवम दुबे को निकालो और जायसवाल को लेके आओ, आई गेस के विनिंग कॉम्बिनेशन को के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, जो कि साइड स्क्रीन पर है, वैसी की वैसी ही टीमें रहेंगी दोनों की। विनिंग कॉम्बिनेशन है, दोनों के दोनों अनबीटेबल है पूरे टूर्नामेंट में। सो ये फाइनल में यही टीम उतरेगी, और इसमें से कौन जीतेगी कौन हारेगी ये तो मैच के बाद ऑब्वियसली पता चलेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है? इंडिया। क्यों? क्योंकि इनको जीतना आता है बड़े स्टेजेस पे। हालांकि हम कह सकते हैं कि ये चोकर्स भी रहे हैं रिसेंटली, लेकिन साउथ अफ्रीका इज़ द बिगेस्ट चोकर। वो अभी तक सेमीफाइनल ही खेले हैं और फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल खेल रहे हैं, जैसे कि अफगानिस्तान के साथ भी हुआ, वो फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल खेल रहे थे, ये फाइनल खेल रहे हैं फर्स्ट टाइम अपनी हिस्ट्री में। सो मुझे लगता है कि ये चोक करेंगे और साउथ अफ्रीका हारेगी और इंडिया वर्ल्ड कप लेके जाएगी। 2023 का वर्ल्ड कप वो जो हार हुई थी फाइनल में इंडिया की, हालांकि उसका बदला नहीं ले पाएंगे पूरी तरीके से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराकर उन्होंने ले लिया। सो बात करते हैं कि कौन प्लेयर डेंजरस होगा। आई गेस कि बॉलिंग में कगिसो रबाडा, रोहित शर्मा के लिए डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने मैक्सिमम बार वनडे क्रिकेट और T20 में मिलाकर 18 टाइम्स रोहित शर्मा को आउट किया है, जो कि बिगेस्ट है आई गेस बाकी सब बॉलरों के कंपेरिजन में, और वो डेंजरस हो सकते हैं बॉलिंग में। और तबरेज़ शमजी मुझे नहीं लगता कि इतने डेंजरस होंगे, लेकिन केशव महाराज यस, क्योंकि मोस्टली हमारे राइट हैंडर्स हैं अब हमारी बैटिंग ऑर्डर में, ऋषभ पंत और अक्षर पटेल को छोड़कर आई गेस, जडेजा बहुत लास्ट में आते हैं, इन दोनों में से ही मेन खेलते हैं जो लेफ्ट हैंडर्स हैं, लेकिन बाकी सारे राइट हैंडर्स हैं। सो केशव महाराज मुझे डेंजरस लगते हैं। और अगर बैटिंग में बात करें, आई गेस क्विंटन डिकॉक, जो कि इंडिया के खिलाफ ज़्यादातर चलते हैं, हालांकि बुमराह टॉप पर होंगे, सो आई गेस क्विंटन डिकॉक विल नॉट बी द बिगेस्ट थ्रेट। एडम मार्करम, हेनरी क्लासन और रीज़ा हेनरिक्स, ये तीनों बल्लेबाज आउट कर दो, वर्ल्ड कप आपका। आई गेस दैट्स माई प्रडिक्शन। सो बात करेंगे हम जब मैच होगा तो देखेंगे क्या प्रडिक्शन सही होती है कि नहीं।